क्वेश्चन नंबर थ्री इन फिगर एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू आर इक्वल देखो पी क्यू आर ये एंगल है और पी आर क्यू ये एंगल फिगर में ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है और हमें शो करना है कि पी क्यू एस मीन्स ये एंगल पी आर टी मीन्स ये एंगल इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो अगर फिगर पे देखें हम इस फिगर में ये स्ट्रेट लाइन है एक पूरी तो एंगल पी क्यू एस और पी क्यू आर ये स्ट्रेट लाइन में बने एंगल है मीन्स लीनियर पेयर है तो इनसे हम पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं देखो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस पी क्यू एस ये इक्वल टू वन एटी बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर और यहाँ से हम पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ये इसलिए फाइंड कर रहे हैं हम पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर पी आर क्यू इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और ये दोनों इक्वल गिवन है ना हमें इनमें इक्वल में रख देंगे हम इससे क्या होगा ये दोनों एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे देखो यहाँ से हम पी क्यू आर क्यू अगर फाइंड करते हैं तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू वन माइनस एंगल पी क्यू एस ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन अब ऐसे देखो इधर से भी फाइंड करते हैं कि एंगल पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू वन एटी बिकॉज ऑफ सेम रीजन लीनियर पेयर यहां से एंगल पी आर क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पी आर क्यू इक्वल टू वन एटी माइनस एंगल पी आर टी ये आ गई इक्वेशन नंबर दो अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों एंगल इक्वल है तो फ्रॉम क्वेश्चन एंगल पी आर सॉरी पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू रीजन गिवन ये गिवन है और इन दोनों में हम क्वेश्चन इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से वैल्यूपुट करते हैं तो इक्वेशन वन में क्या दिया था कि पी क्यू आर इक्वल टू वन एटी माइनस पी क्यू एस देखो पी क्यू आर की जगह वन एटी माइनस एंगल पी क्यू एस और देखो इक्वेशन टू में पी आर क्यू की जगह 180 एटी माइनस पी आर टी तो यहाँ वन एटी माइनस पी आर टी एंगल पी आर टी इसका रीज़न क्या होगा फ्रॉम वन एंड टू अब देखो 180 180 दोनों आपस में घट जाएंगे या कट जाएंगे हमारे पास क्या बचेगा माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू माइनस एंगल पी आर टी अगर माइनस इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे इट मीन्स एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी और देखो हमें यही प्रूव करना था